तो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में आ रही है जायंट बस जिसके की ब्रेक फेल है और किसी को भी उड़ा दे रही है। धंधो अगर तेरा चरना हो गया होगा तो चल जल्दी घर पे, अपन को जो है चील का दूध लाना है। अच्छा, अरे मालिक मुझे चील का दूध बहुत ज्यादा पसंद है, जल्दी चलो घर की तरफ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन गाइस बहुत रेयर लोगों को ही मिलता है चील का दूध। वैसे गाइस अपनी धंधो है, धंधो को गाइस चील का दूध में पिलाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो दुकान जो है ना वो शुरू है या बंद ये तो मेरे को नहीं पता। और गाइस मैं पहले ही बता दूँ, इस चील का दूध पिलाना जो है ना 2 नंबर का काम है, मतलब वो किसी को भी नहीं मिलता, जो कि भाई साहब सबसे रेयरेस्ट दूध है यहाँ का, जो कि सिर्फ MLA ही पीता है ऐसा मैंने सुना है। भाई अभी सुना सुना ही बात है या क्या है पता नहीं, लेकिन मैं और धंधो तो वही दूध पीती है। और मैं एयरपोर्ट पे इस वजह से आया हूँ, क्या पर यहाँ पर जो है ना पुलिस होते हैं अक्सर, इस वजह से मैं यहाँ पर पुलिस को ढूंढने आया हूँ। यहाँ पर तो पुलिस नहीं है, अभी फटाफट से अपन चलते हैं यहाँ पर से। और मैंने तो सुना है यहाँ पर कोई जायंट बस आ रही है भाई साहब, जो कि किसी को भी उड़ा देते, उसके ब्रेक फेल है, क्यों धंधो? हाँ मालिक, एक जायंट बस है जिसके की ब्रेक तो फेल है, लेकिन उससे अपन बच सकते हैं। क्या उससे अपन कैसे बच सकते हैं? मतलब अपन तो रोड पे चलेंगे ही नहीं ना, वो आने के बाद तो अपने को कैसे उड़ाएंगी वो? अरे मालिक वो किसी को भी उड़ा सकती है, इस वजह से बोल रहा हूँ MLA के घर पे जो मोटर ट्रक है ना उसको तुमको चुराना पड़ेगा, उसी से हम बच सकते हैं। अरे धंधो तू बावली हो गई क्या? MLA के घर से मॉन्स्टर ट्रक अपन कैसे चुला सकते हैं? सबसे पहले तो तू चील का दूध पी, फिर तुझे अकल आएगी। मैं यहाँ पर गाइस जो चील का दूध फटाफट से लेकर के आता हूँ, यहाँ पर लिफ्ट खुलेगी, खुल जाओ सिम सिम। ओके सो गाइस हम दोनों ने जो यहाँ पर चील का दूध पी लिया है, अभी इधर से मैं फटाफट से निकलता हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये पुलिस की सायरन की आवाज़ कहाँ पर से आ रही है? लगता है हमको पुलिस ने दूध पीते हुए देख लिया है। गाइस मेरे को इधर से भागना पड़ेगा, धंधो जल्दी से भाग जाए, भाग चल इधर से, अपन को पुलिस पकड़ सकती है। चल 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 पे भाई, पुलिस तो मेरे पीछे ही लग गई है गाइस, अभी मैं क्या करूँ? और MLA के घर से भाई साहब मेरे को वो चुराने की जरूरत ना आनी पड़े भाई साहब, क्योंकि ये तो भाई धंधो को पीछे से टक्कर मार रहे, धंधो को गाइस चोटें भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और धंधो को अगर ज़्यादा कुछ लग गया ना तो फिर मैं इन पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। भाई साहब धंधो को गाइस चोटें पे चोटें दे रहे हैं, और धंधो यहाँ पर से पूछ चुका, अभी मेरे को यहाँ पर से उतर के भाई साहब इन पुलिस वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये गाइस वैसे नहीं सुनने वाले, इसकी बहस की टेट, तू साले तू हमने किया क्या? चील का दूध ही तो पिया है, अभी तो मैं MLA के घर पे साले MLA को घर की मॉन्स्टर ट्रक चुराने वाला हूँ। गाइस हाँ गाइस, इनके हाथों से तो मैं बच चुका हूँ, इनको मैंने कर दिया खत्म। तुम्हारा भाई को भी वो तो ज़्यादा लग चुका, मतलब फ्रैंकलिन भाई को तुम्हारे, तो यहाँ पर से मैं उठता हूँ फटाफट से। और अभी जो हूँ ना भाई साहब MLA के घर पे पास में आ चुका हूँ, यही है मैंने सुना है MLA का घर, जो कि किसी ज़माने में अपना घर हुआ करता था भाई साहब, इतने भी अमीर हुआ करते थे, लेकिन जो है अपने पूर्वजों ने सारी जायदाद अपनी बेच दी है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर से देखता हूँ, अभी इस साइड से तो नहीं जा सकते मेरे को लगता है, मैं गाइस दीवार टाप कर चलता हूँ। हाँ मालिक, दीवार टाप कर देखिए, और जो स्कोप वाली गन है ना उसका स्कोप लगा के देखिए, वहाँ पर कौन कौन सिक्योरिटी है, मैंने सुना है सिक्योरिटी में डायनासोर्स भी है। अरे धंधो तू पागल हो गए क्या? सिक्योरिटी में किसके भला डायनासोर होते हैं क्या भाई? यहाँ पर मैंने उल्टी जंप मार दिए जिससे कि किसी को भी दिखाई ना दे, क्योंकि तुम्हारा भाई है ना भाई पहले कमांडर भी रह चुका है, ये तो मैं फेंक रहा हूँ, और फेंकने की आदत मेरी कभी नहीं जाएंगी। तो फटाफट से मैं यहाँ पर से गाइस पेड़ के पीछे छुप चुका हूँ, वैसे छुपने की कोई ज़रूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। और यहाँ पर भाई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है भाई? अबे भाई कोई लेज़र वेज़र तो नहीं है भाई? मैं बाहर कैसे आ गया? वो बाहर नहीं अंदर ही हूँ, थोड़ा सा पीछे सरक गया था, अभी देखता हूँ, रुको एक सेकंड, यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्या क्या मैं देखता हूँ। ओके ओके ओके, वो डायनासोर तो सही है मैं है, और मैंने सुना है भाई ये डायनासोर इधर ही देख रहा है, लेकिन उसकी नज़र मेरे पे नहीं है। वो पुलिस की 2-2 गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, और वो मॉन्स्टर ट्रक। ओके गाइस, मॉन्स्टर ट्रक के इस वाली साइड पर है, अभी मेरे को मॉन्स्टर ट्रक दिख चुका है, तो मैं ये वाली दीवार टाप कर भाई इधर से निकलता हूँ, इससे पहले कि डायनासोर की नज़र है जो मेरे पर पड़े। डायनासोर को इससे दूर का दिखाई नहीं देता पता नहीं, और अब तक तो मुझे वो भाई फायर मार के मार भी दे सकता था। तो यहाँ पर मैं निकलता हूँ, इससे पहले कि पुलिस वालों को मैं दिख जाऊँ और इस डायनासोर को दिख जाऊँ। वैसे कि डायनासोर आप देख सकते हो, इसके आँख पे गोली मार दो, वैसे कैसे इसकी आँख तो अंधी दिख रही है मेरे को,
और वैसे गाजे देखने की पूरी ट्राई कर रहा है। इससे पहले कि देख ले मैं इधर से निकल जाता हूँ दीवार टाप की वाली, तो फटाफट से मैं इधर से निकलता हूँ। मेरे को लगता है मैं गिरने वाला हूँ गाइस। नहीं ओके भाई साहब, यहाँ पर मैं गिर भी चुका हूँ यार इस दीवार से, जान दो कुछ नहीं होता। मैं फटाफट से उठ जाता हूँ, अभी उठना भाई, चल उठ गया। और अभी मैं धंधो को बता देता हूँ भाई साहब, मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आ रहा हूँ धंधो, तू टेंशन मत ले, तू यहाँ पर मत रुक, लेकिन तू यहाँ पर से भाग जाए जल्दी से। और यहाँ पर मेरे को लगता है ये मैनेजर है गाइज, एमएलए के मैनेजर को अपन ने कर दिया है ख़त्म, और जिसको भी कर दिया ख़त्म, जिसको गाइज दोनों को लुड़का दिया है। अभी फटाफट से चलते हैं अपन अंदर, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। भाई पुलिस आ सकती है किसी भी टाइम पे, मेरे को पता है, क्योंकि अपन ने एमएलए के मैनेजर को मारा है, तो कोई आसान बात तो नहीं होंगी ना। तो फटाफट से मैं अभी आरपीजी निकालता हूँ और सीधा का हमला बोल देता हूँ। सबसे पहले अपन को डायनासोर को ख़त्म करना है, छुपचे छुपाते, या फिर से सबसे पहले डायनासोर को ही ख़त्म कर दिया। अभी दो पुलिस की कार है, इसको भी उड़ा दे तो फटाफट से, इसको भी कहा तुम्हारे भाई ने जो है उड़ा दिया है। और अभी जो है ना मैं फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक लेके इधर से भागता हूँ भाई साहब, इससे पहले कि पुलिस सजाए। पुलिस यहाँ पर से पीछे से नहीं आए ना भाई साहब, क्या ही तो घर है गाइज, ये पहले किसी ज़माने में अपना घर हुआ करता था गाइज, स्विमिंग पूल है सब कुछ यार मेरा हुआ करता था। डायनासोर भाई साले तू मर गया, कैसे कैसे लोग यहाँ पर बॉडीगार्ड रखे, इससे अच्छा तो मैं बॉडीगार्ड रहता। मेरे को इस पुलिस की सायरन की आवाज़ आ रही है, शायद यहाँ पर की पुलिस की कार आ चुकी है। हाँ गाइज मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यहाँ पर पुलिस की कार भी आ चुकी है। तो फटाफट से जो है ना अभी आरपीजी में इसके भरता हूँ इस पुलिस की कार के। और गाइज मेरे को चील का दूध नहीं पीने दे रहे थे, और भाई साहब अभी बताता हूँ मैं इनको, इनके आँखों के सामने जो है एमएलए का मॉन्स्टर ट्रक लेके इधर से भागता हूँ। और जो गाइज जायंट बस या फिर ट्रेन आ रही है ना उसको मैं ख़त्म करता हूँ। और मैंने सुना है वो जायंट बस है ना गाइज, वो उसकी आत्मा जो है ट्रेन के अंदर घुस चुकी है, और वो ट्रेन सारी सारी की सारी मतलब सिटी को ख़त्म करना चाहती है। तो मैं तो गाइज सिटी को ही बचाना चाहता हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं मान रहे, तो अपन क्या कर सकते। और ये हेलीकॉप्टर गाइज ऊपर से उड़ के किधर आ गया यार, एक बार फिर से इसको गाइज एक बार फिर से मेरे को आरपीजी का झटका देना पड़ेगा। ओके गाइज ये ऊपर की साइड उड़ चुका है, अभी फटाफट से मैं बैठा हूँ अपने इस वाले मॉन्स्टर ट्रक के अंदर। इसका गेट भाई साहब इधर से तो टूटा हुआ है, मतलब इधर से अपन नहीं बैठ सकते। ओ भाई ऊपर से एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है, मेरे को लगता है यही हेलीकॉप्टर है गाइज एमएलए का, जो कि यहाँ पर से उड़ के गया था। ये भाई साहब ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर का मेरे को नहीं पता, उसको अपन जाने देते हैं। और फटाफट से जो है ना अभी इस साइड से मैं बैठ सकता हूँ, इस साइड से फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठता हूँ। और इसको गाइज अपन कहाँ पर छुपाते हैं, सबसे पहले इसको अपन को छुपाना पड़ेगा। तो छुपाने के लिए मेरे को सेफेस्ट जगह तो एक ही लग रही है, जो कि भाई साहब अपना जुनियासिक पार्क। तो फटाफट से इसको, अबे भाई धंधों को जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया शायद से, और इसको क्यों पकड़ा मेरे को पता नहीं। एक सेकंड में यहाँ पर से इतनी तेज़ी से इसलिए उतरा हूँ क्योंकि मैं धंधों को नहीं छोड़ सकता हूँ भाई साहब। तो धंधों को मैं यहाँ पर से बचा लेता हूँ फटाफट से पुलिस हो पुलिस की कार से। भाई 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 इसकी बैस के ले साले तू तू तो गया, और एक ये भी गई। धंधो तू यहाँ फिर से जल्दी से जल्दी भाग जा, और तू जो है ना जुनेसिक पार्क में आ जा, मैं भी मॉन्स्टर ट्रक लेके वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ना तू क्या मतलब, मैं तू समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हाँ मालिक मैं समझ गया, मेरे को जो है आना है जुनेसिक पार्क के अंदर। ओके ओके धंधो तू समझ गया ना, अभी तू फटाफट से जुनेसिक पार्क के अंदर भाग निकल, इससे पहले कि और ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर आ जाए। तो फटाफट से भाई साहब मैं यहाँ पर अपने मॉन्स्टर ट्रक को, भाई और एक पुलिस वाला आ चुका है, लेकिन धंधो वहाँ पर से भाग चुके हैं, और तुम्हारा भाई भी अभी फुल स्पीड में जो है यहाँ पर से निकलने वाला है जुनेसिक पार्क की तरफ। वैसे पुलिस की कार मेरे का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भाई साहब बिना फालतू में टक्कर की भी लेनी इनसे, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक का गाइस बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है भाई। इसके अंदर बस पावर है, लेकिन ये पावर के साथ गाइस ये तगड़ा तो है, लेकिन भाई साहब ये जो है ना मतलब बहुत जल्दी डिसबैलेंस जो है ना हो जाता है। तो इस वजह से अपन को बहुत सावधानी से चलाना है। और इसको गाइस ओ पीछे आगे से गाइस यहाँ पर से मैंने मॉन्स्टर ट्रक को गाइस उड़ा दिया है, लेकिन तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ही तो मॉन्स्टर ट्रक की खासियत है कि अंदर के ड्राइवर को कुछ नहीं होने देता भाई साहब। चलो चलो फटाफट से यहाँ पर से हटे जाओ। और यहाँ पर से गाइस मैं जुनेसिक पार्क के सीधे रास्ते से इस वजह से नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं सीधे रास्ते से चला गया ना तो इनको मैं सीधे रास्ते से इनको पता चल जाएगा कि मैं जुनेसिक पार्क में ही जा रहा हूँ। इस वजह से मैं ट्रेन की तरफ होके हुए जा रहा हूँ, और इसी ट्रेन के अंदर तो भाई उस बस की आत्मा है। इससे पहले मैं इस ट्रेन को दिख जाऊँ यहाँ पर से फटाफट से मैं निकल जाता हूँ, वैसे गाइस इसको भी नहीं दिखे। और यहाँ पर जो है ना भाई एक और बार जो है मॉन्स्टर ट्रक गाइस डिसबैलेंस हो गया है, मैंने जैसे कि बोला था। और यहाँ पर गाइस धंधो यहाँ पे आई है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये गेट बस खुल जाए आज के दिन, वे खुल वे जल्दी खुल जा सिम सिम। यहाँ पर गाइस खुल चुके हैं गेट भी, तो फटाफट से जो है ना अबे अबे भाई चलना यार,
ओके गाइस, मैं यहाँ पर से फटाफट से जुरासिक पार्क के अंदर आ चुका हूँ। अभी गाइस मेरे को धंधो तो नहीं दिखाई दे रही, धंधो शायद से पीछे छूट गई है। भाई यहाँ पर मैं आते ही गिर गया इस मॉन्स्टर ट्रक के अंदर से, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है ना कि तुम्हारा भाई ठीक से भाई उतर नहीं पाया, क्योंकि पहली बार ही बैठा था ना। और भाई धंधो भी यहाँ पर आ चुके हैं, मॉन्स्टर ट्रक भी यहाँ पर है, और मेरे पीछे से गाइस पुलिस भी हट चुकी है। तो अभी जो है ना फटाफट से अपन को जो जायंट ट्रेन है ना गाइस, वो मैंने सुना है पटरी पर से निकल सकती है। तो यहाँ पर से अपन इधर वाली साइड से जो है अपना मॉन्स्टर ट्रक लेके चलेंगे और उसको रोकने की पूरी ट्राई करेंगे। इससे पहले मैं बाहर इसलिए आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पर से गए या नहीं। और गाइस पुलिस वाले यहाँ पर से चले गए मेरे ख्याल से, तो मैं फटाफट से अपने धंधो को लेके चलता हूँ जुरासिक पार्क के अंदर। ये जुरासिक पार्क के अंदर चरेंगे भाई साहब, बस धंधो इधर इधर ही चरना, तुझे जो है ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्यों वहाँ पर डायनासोर भी हो सकते हैं और डायनासोर तुझको कुछ नहीं करेंगे वैसा मेरे को लगता है। वो भाई यहाँ पर से यार धंधो कैसे बाहर निकल सकती है भाई, यहाँ पर से कोई अबे अंदर नहीं जा सकता। मेरे को लगता है गाइस सिर्फ उधर से जो है मतलब जुरासिक पार्क के अंदर से जो है यहाँ पर आ सकते हैं अपन बाहर, लेकिन यहाँ पर से अपन अंदर नहीं जा सकते। वैसे गाइस एक और बार ट्राई करके देखो। ओके गाइस, मतलब उधर से तो अपन आ सकते हैं लेकिन इधर से नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात है। तो मैं फटाफट से अभी नहीं, ट्रेन निकल रही है गाइस, मैंने ट्रेन की सायरन गाइस सुनी है, मेरे को पता नहीं आपको सुनाई दे रही है या फिर नहीं। तो मैं फटाफट से अभी मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठता हूँ अपने, और यहाँ पर से निकलता हूँ सीधा। और धंधो तू जो है ना यहाँ पर से चल या फिर इधर से निकल जा घर के तरफ, और अपन जो है ना उस जायंट ट्रेन को भी रोकने वाले हैं। तो फटाफट से मैं जो बैठने वाला हूँ मॉन्स्टर ट्रक के अंदर, और फटाफट से उस जायंट ट्रेन को जो है मैं रोकने वाला हूँ। यहाँ पर से गाइस इसका गेट ही मेरे को नहीं दिखता। ओके गाइस इसका गेट दिख चुका है, जो कि टूटा हुआ होल है, पहले ही टूटा हुआ था और ज़्यादा मैंने तोड़ दिया इसको उल्टा पुल्टी करके। लेकिन भाई ड्राइवर को कुछ नहीं होता, एक बात इसकी माननी पड़ेगी। तो फटाफट से जो है ना अभी ट्रेन में से गाइस मैं मर भी सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। और तो भाई उस ट्रेन को रोकना अपने लिए आसान काम नहीं है, लेकिन धंधो ने तो बोला था ये मॉन्स्टर ट्रक रोक देगा, तभी देखते हैं रोक पाता या नहीं। और गाइस ट्रेन यहाँ पर से निकल सकती है, मतलब निकल ही चुके का समझ लो। तो यहाँ पर से मैं फटाफट से अपनी मॉन्स्टर ट्रक को पटरी के ऊपर लेके चलता हूँ, और देखते अभी यहाँ पर से जो है ट्रेन रोक पाती है या मतलब मॉन्स्टर ट्रक रोक पाता है या फिर नहीं। तो गाइस ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है फुल स्पीड में, आपको दिखाई दे रही है या नहीं मुझे नहीं पता। और भाई साहब मैं भी यहाँ पर फुल स्पीड में जा रहा हूँ, और ट्रेन गाइस यहाँ पर ओ भाई पहले से ही इसने कितने सारे एक्सीडेंट कर करके ओ भाई वो एकदम टक्कर की फोड़ गई है, और उसकी स्पीड मैंने गाइस बहुत ज़्यादा कम कर दी है। और यहाँ पर जो है गाइस जैसे तैसे करके ट्रेन गाइस यहाँ पर रुक चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से रुकी है ऐसा तो गाइस मेरे को दिख रहा है, लेकिन अपने मॉन्स्टर ट्रक गाइस अभी भी स्टार्ट ही है। तो भाई ये रुकी है नहीं, मैं पीछे जाके देखता हूँ। ओके गाइस ये पूरी तरीके से जो यहाँ पर रुक चुकी है, इसके अंदर की मेरे को लगता है बस की जो आत्मा थी वो चली गई है। लेकिन भाई साहब एक सेकंड इसने गाइस फिर से भाई साहब इसने फिर से अपन को टक्कर देना भाई साहब स्टार्ट कर दिया है। और भाई साहब ये हिल रही है पटरी पर से मॉन्स्टर ट्रक को, इसको गाइस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपन को भाई। और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है मेरे को लगता है गाइस अभी अपना क्या हाल होने वाला है मेरे को नहीं पता। यहाँ पर से फ्रैंकलिन को जो है गाइस ट्रेन ने उठा कर गाइस मॉन्स्टर ट्रक के अंदर से फेंक दिया है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन का हाल क्या होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को अगर पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।